सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के जौहर ट्रस्ट को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से नोटिस जारी की गई है। इसमें 15 दिन के भीतर जौहर शोध संस्थान से कब्जा छोड़ने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि सपा सरकार में कद्दावर मंत्री आजम खां ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सरकारी शोध संस्थान अपने निजी ट्रस्ट में लीज पर लिया था। आरोप है कि इसके लिए कई बार नियमों को भी बदला गया, यहां तक कि शोध संस्थान के उद्देश्यों को भी सपा सरकार ने बदल दिया था। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बने इस शोध संस्थान को आजम खां ने 100 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 99 साल की लीज पर लिया था। योगी सरकार में SIT की जांच में हकीकत सामने आई तो जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में जौहर ट्रस्ट से जौहर शोध संस्थान वापस लेने का प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अब स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। SDM सदर निरंकार सिंह ने बताया कि इसी क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंकित मित्तल की ओर से मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 15 दिन का समय देते हुए जौहर शोध संस्थान से कब्जा छोड़ने का नोटिस दिया गया है।